गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हमें जानते होंगे नाम से या देखा होगा आपने अपने स्कूल में मुझे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मुझे बाय नेम से नहीं जानते होंगे बट स्कूल में देखा होगा क्योंकि आपके बैच में मैं फर्स्ट लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ एंड आई एम कम्प्लीटेड MSc बायो केमिस्ट्री फ्रॉम साइंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी एंड BSc बायो टेक्नोलॉजी फ्रॉम मगध यूनिवर्सिटी एंड आई हैव 11 ईयर एक्सपीरियंस इन वेरियस कोचिंग लाइक क्वार्क इंस्टीट्यूट सूरत, नारायणा धनबाद एंड अदर वेरियस कोचिंग। देखिए सबसे पहले आइए मैं आपको बायोलॉजी का पार्ट बना लूँगा। ठीक है, उसमें से 3-4 इंपॉर्टेंट लेसन मैं आपको कवर कराऊँगा। आपके सिलेबस में 10th के सिलेबस में जो फर्स्ट लेक्चर है वो मैं आपके नोटबुक में आपके बुक में जो मैं देख रहा हूँ टेक्स्ट बुक में, तो फर्स्ट लेसन है वन है लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट लेसन इज लाइफ प्रोसेस, ये फर्स्ट लेसन है बायो का। सेकेंड लेसन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड लेसन जो है वो है आपका हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एंड फोर्थ लेसन है हेरिडिटी एंड रिवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड रिवोल्यूशन। फिफ्थ लेसन है आपका आवर एनवायरनमेंट, आवर एनवायरनमेंट। एंड सिक्स लेसन है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, ये टोटल 6 लेसन जो है वो आपको कवर करने हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग इस लेसन में कौन से लेसन में क्या क्या आपको जानने का है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट लेसन, ये काफी इंपॉर्टेंट लेसन है जिसमें आपको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे कि एक लिविंग थिंग को या लिविंग बींग्स को अगर लिविंग कंडीशन में है तो उसके बेसिक कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, यानी इस लेसन में पूरा का पूरा फिजियोलॉजिकल एक्शन आप पढ़ेंगे, डाइजेशन का, मूवमेंट का, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन का, यानी ये सब जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है। अगर हम एक लिविंग बींग्स हैं तो हमारे बॉडी में कैसे मूवमेंट होता है, कुछ उसके बेसिक कैरेक्टर, ये सारा चीज पार्ट जो है वो इसमें इंक्लूड होगा। तो दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ योर सिलेबस। ओके, सेकेंड लेसन की अगर हम बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारा बॉडी बेटा दो तरह के कोऑर्डिनेशन सिस्टम से रन होता है पूरा बॉडी, एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, दूसरा होता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन। तो यानी इसमें हमको कुछ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन के बारे में देखेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन के बारे में देखेंगे। जबकि लाइफ प्रोसेस की अगर हम बात करें तो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या रहेगा, तो लाइफ प्रोसेस में हम लोगों का आएगा इंक्लूड जो होगा वो पार्ट, तो इसमें हम लोग देखेंगे जैसे मूवमेंट, डाइजेशन, रिस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग, और प्लांट को अगर देखें तो फोटोसिंथेसिस, ये सारा प्रोसेस हम लोग बेटा इसमें कवर करेंगे। ओके, अब आइए रिप्रोडक्शन, इसमें हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है और हम एनिमल्स में या ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल। तो इसमें आपको ये सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, जैसे प्लांट में रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से होते हैं,
ठीक है। अब रिप्रोडक्शन भी दो तरह के हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये दोनों रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातों को हम इसमें कवर करेंगे। ठीक, तो जनरली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या तो वो लोअर एनिमल में होंगे या फिर प्लांट में होंगे, मैक्सिमम लोअर प्लांट में और प्लांट में भी, जो भी नॉर्मल प्लांट उसमें भी हो सकता है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम एनिमल में, यानी कि हम जितने भी हाई एनिमल्स हैं उसमें नहीं है। अब आइए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, कि हमारे पैरेंट का कैरेक्टर हमारे अंदर कैसे आता है, हमारा जेन हमारे फादर से मिलता है, मदर से मिलता है, दैट इज ड्यू टू द हेरिडिटी। तो ऐसा कोई भी पैरेंटल कैरेक्टर जो हमारे अंदर एक्सप्रेस हुआ है, दिस इज ओनली ड्यू टू द हेरिडिटी, यानी वो जीन की वजह से। और हम सबसे पहले इस अर्थ पे कौन आया, तो बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया से ग्रोथ होते होते लाइफ में कन्वर्ट हुआ। इतने तरह के वेरियस प्लांट और वेरियस एनिमल्स हैं, यानी हमारा लाइफ का, हमारी लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई, तो लाइफ की ओरिजिन और ओरिजिन से डेवलपमेंट होते होते इतने वेरियस टाइप्स के एनिमल में जो कन्वर्ट हुए हैं, उस प्रोसेस का पूरा रिलेशन हम देखेंगे इवोल्यूशन। तो इस लेसन में आपको, यानी कि जो क्या क्या आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो पैरेंटल कैरेक्टर्स, पैरेंटल कैरेक्टर्स, और साथ ही साथ जो इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे लाइफ का ओरिजिन, कि लाइफ कैसे ओरिजिन हुआ। फिर आइए आवर एनवायरनमेंट, आप जानते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, हम सभी इसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो हमारे एनवायरनमेंट का हमारे साथ क्या रिलेशन है, वो पूरा का पूरा पार्ट हम लोग इसमें देखेंगे। रिलेशन ऑफ एनवायरनमेंट विथ ऑर्गेनिज्म एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है हमारे सर्वाइवल के लिए, तो माइनिंग है, जितने भी माइंस होते हैं वो हुए, कोयले का यूज करते हैं तो वो माइंस क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, पेट्रोलियम क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, तो ये सारी चीज का माइंस हो गए और वाटर पेट्रोलियम इटीसी, तो इन सब का क्या है, क्यों, कौन से नेचुरल रिसोर्सेज, उसका क्या यूज हम लोग करते हैं, उसका रिलेशन जो है वो इसमें देखेंगे, तो पॉल्यूशन भी थोड़ा सा इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये सारा पार्ट जो है वो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के इसमें हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए अब सबसे पहले हम लोगों को स्टार्ट करना है लाइफ प्रोसेस। तो हमारा आज का फर्स्ट लेसन जो स्टार्ट होगा वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ का प्रोसेस, लाइफ वर्ड अगर कहीं पर भी आता है तो इसका मतलब लाइफ मतलब किसमें, जीवन किसमें, जो जीवित है उसमें जीवन है, जो मर गया उसमें जीवन नहीं। अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब चीज है, तो हम लोग लिविंग है, जीवित है, इसलिए लाइफ है। ये पेन मार्कर में लाइफ है क्या, नहीं है। तो लाइफ का मतलब इसके लिए है जो जीवित, तो उसमें लाइफ होगा, और इसी जीवित इंसान का जो, यानी जो जीवित है, लाइफ है, उसके क्या क्या प्रोसेस है, आपको सोचो कि आप क्या क्या करते हो, सांस लेते हो वो लाइफ प्रोसेस हुआ, खाना खाते हो वो लाइफ प्रोसेस हुआ, यूरिन का डिस्चार्ज करते हैं हम लोग, दैट मींस यूरिनेशन, तो वो भी एक्सक्रीशन का पार्ट है, वो भी एक लाइफ प्रोसेस है। खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, वो भी लाइफ प्रोसेस है।
हम खाना बना बनाया हुआ खाते हैं, सिर्फ डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं यानी फोटोसिंथेसिस, वो भी लाइफ प्रोसेस है। तो ऐसे जितने भी हमारे पूरे जिंदगी का जन्म से लेकर मरने के समय तक हमारे बॉडी के अंदर जो जो फिजियोलॉजिकल एक्शन होते हैं वो सभी जो है वो लाइफ प्रोसेस है। वही क्या है? वही लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहते हैं ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर alive or living things। तो ये जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो सभी अलाइव हैं, जीवित हैं और लिविंग थिंग्स में आते हैं। अब इस जिंदगी में अगर लाइफ है तो उसका एक सबसे एक अच्छा इंपॉर्टेंट, ऐसे तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं लाइफ होने का ना होने का, जिसमें रिप्रोडक्शन होगा, जिसमें ब्रीथिंग होगा, जिसमें डाइजेशन होगा, जिसमें यानी कि गैसियस एक्सचेंज होगा, ये सब लाइफ के प्रोसेस है। उसी में से उन्हीं सब एक कैरेक्टर में से एक है हमारा मूवमेंट। तो जिसमें मूवमेंट होता है वह लिविंग के कैरेक्टर में आता है। तो लिविंग होता है वो किसी ना किसी तरह का मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो कहते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड whether something is alive, whether something is life in the movement। वो क्या है? तो वो है movement, जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि समथिंग जो है वो अलाइव है या नहीं है। तो ये मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में से एक हो जाता है ये डिसाइड करने के लिए। कहते हैं ऑल लिविंग थिंग्स मूव बाय themselves without any external help, without any external help, हम कहते हैं कि जो प्लांट का मूवमेंट होता है वो स्लो होता है और एनिमल का मूवमेंट होता है वो जनरली फास्ट होता है। मूवमेंट तो होगा, हमने क्या देखा ऑल लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स। अगर ये हमारा मार्कर है तो इस मार्कर को अगर हम यहाँ रखेंगे तो बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी का या फोर्स का ये मूव नहीं करेगा। हवा से मूव करे या हम आके इसको मूव कराएं, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स उसमें लगेंगे तभी वो मूव करेगा। लेकिन जो लिविंग थिंग्स होते हैं वह खुद से मूव करते हैं, इसलिए लिखा है ऑल लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स, खुद से विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के मूव करेंगे। अब कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें मूवमेंट फास्ट होता है एज कम्पेयर टू प्लांट। और प्लांट का जो मूवमेंट होता है वो काफी स्लो, कितने प्लांट का तो मूवमेंट हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते आपने इन नॉर्मल आई से, ठीक है। तो इसीलिए वो जो होते हैं कहते हैं मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इज फास्ट एंड इट कैन बी एंड इट कैन बी
can be observed. जबकि मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इज वेरी स्लो एंड इट कैन बी और इसको ऑब्जर्व करना एंड इट कैन बी ऑब्जर्व difficulty can be observed difficulty अब एनिमल जो है वो आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर लेते हैं कहते हैं एनिमल्स कैन मूव from one place to another place by movement of body parts. अब देखिए एनिमल कैसे मूव करते हैं हम भी लोग अभी कैसे मूव कर रहे हैं हमारे बॉडी के पार्ट में मूवमेंट होता है अपने पैर को मूव कराते हैं तो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाते हैं उसी तरह एनिमल का कोई भी एनिमल हो वो अपने बॉडी पार्ट में मूवमेंट करा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाते हैं लेकिन प्लांट में इस तरह के मूवमेंट आसानी से हमें देखने को नहीं मिलता है तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट अपने बॉडी पार्ट का मूवमेंट करा के एनिमल जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आसानी से मूव कर सकते हैं प्लांट में इस तरह का हमें देखने को जल्दी नहीं मिलता है अब प्लांट में मूवमेंट जो है वो उनके बॉडी पार्ट में जैसे फ्लावर का लीफ का वो आगे पीछे हवा से क्या करते हैं मूव करते हैं तो इस तरह से प्लांट में जो मूवमेंट है कहते हैं द प्लांट्स कैन ओनली मूव द प्लांट्स कैन ओनली मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी सच एज leaves, flowers, shoot and root. कहते हैं तो नॉन लिविंग कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व तो नॉन लिविंग तो है फर्स्ट खुद से मूव Non-living cannot move by themselves. Non-living खुद से movement नहीं कर सकता है. Okay? अब आइए कुछ living things के character को हम लोग एक जगह summarize करते हैं. तो movement is important है और movement हम ये देखते हैं कि plant में movement बहुत slow होता है. उनके body के parts में जैसे leaf, flower ये सब में movement होते हैं. लेकिन एनिमल्स में जो बॉडी पार्ट में मूवमेंट होता है उससे एनिमल वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक चला जाता है
तो आप हेडिंग देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स। तो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर क्या क्या हैं वो आप देखेंगे। तो देखिए तो कहते हैं लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय गेम चलो, तो अपने उन्होंने फर्स्ट में देखा ही था थिंग्स कैन मूव बाय गेम से themselves. Second, living things need food, air and water. Things need food, air and water. Food, air and water. Living things can grow. Living things can respond to changes around them. Changes around them. Live things respond. Living things grow. Living things respire. Living things excrete. Living things can reproduce. Living things can reproduce. Living things can reproduce. जो living things है वो reproduce करता है. Okay. तो ये इस तरह से देखिए ये important character कौन-कौन से हैं. तो पहले तो हमने देखा we move by themselves. Second character क्या है? Living things need food, air and water. बिना कोई भी living things होंगे उसको water की जरूरत होगी, फूड की जरूरत होगी और एयर की जरूरत होगी। क्यों? हम जो सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, यानी जो खाना खाया उस खाना से जो एटीपी, एटीपी द करेंसी ऑफ आवर लिविंग सेल, तो उसके लिए हमें वाटर एंड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। जो नॉन मतलब जिसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, जिसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन वह एटीपी को ब्रेक डाउन तो करता है, लेकिन उसमें हमारे सेल के जितना एटीपी नहीं बनते हैं। तो एनारोबिक कुछ जो है माइक्रोब्स होते हैं, लेकिन जितने भी हायर एनिमल या हम लोग जितने भी आप देखते हैं कुत्ता बिल्ली चूहा भेड़ बकरी गाय भैंस, हम लोग सभी में ये तीनों चीज की जरूरत पड़ेगी, फूड एयर एंड वाटर, यानी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। एयर के रूप में खाना जो हम खाते हैं, अगर प्लांट है तो प्लांट अपना खाना खुद बना लेगा, और वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो वाटर की जरूरत दोनों को है, प्लांट और हमको, एयर की जरूरत दोनों को है, प्लांट और हमको। बस हम अपना बना बनाया खाना मतलब फूड प्लांट जो बनाता है उसे खा लेते हैं और प्लांट खुद बनाता है, इतना अंतर है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करता है। देखो किसी का भी जब साइज, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा साइज इतना छोटा होता है, और जब हम कुछ समय के बाद चाहे वो अपने गार्डन में प्लांट भी हम लगाते हैं तो उसकी हाइट बढ़ जाती है, हमारी हाइट बढ़ गई, तो ये क्या हुआ, यानी कोई जो लिविंग थिंग्स होगा उसमें ग्रोथ होगा। लिविंग थिंग्स कैन रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी प्लांट है एनिमल है उसके सराउंडिंग में जो चेंजेज होगा, जैसे आप क्या करते हो गर्मी बढ़ती है
तो आप क्या करते हैं, अपने बॉडी में चेंजेस लाते हैं, पसीने आपके बॉडी में आते हैं, ये चेंजेस हुआ। और ठंडी के टाइम में जब ठंडी ज़्यादा लगती है तो हम लोग माउथ कटिंग करने लगे, मतलब दांत को किटकिटाते हैं, तो वो क्या एक तरह का एक्सरसाइज है जो हमें एनर्जी हीट प्रोड्यूस करता है, तो वो चेंजेस लाया आपके बॉडी में। दूसरा देखिए, लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, तो सब देख लिविंग थिंग्स रिस्पायर, यानी हमेशा जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से रिस्पायरेशन यानी गैसियस एक्सचेंज करते हैं, O2 को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। इनटेक करना किसको, O2 को, और क्या करना, CO2 को रिलीज करना यानी निकालना। तो ये सब काम जो है वो चलता है। लिविंग थिंग्स एस्पिरेट, एस्पिरेट के रूप में जैसे देख लो यूरिन है, यूरिन में क्या होता है, तो यूरिन में हमारे यूरिन में यूरिया होता है, ओके। और लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, तो ऑब्वियसली जानते हैं हम लोग कि कोई भी लिविंग थिंग्स को हम लोग रिप्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, तो किसी भी लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन तो होगा ही होगा। रिप्रोडक्शन होता क्यों है, अपने जैसे लिविंग बींग्स का रिप्रोड्यूस करना यानी अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करना, तो ये भी एक मेन कैरेक्टर है। इसकी क्या होता है, रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस या बर्थ करना, अपने जैसे संतान को, ठीक है। तो ये जब हुआ, ये सब सारी जो बातें हुई वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो गई, ओके। चलिए ठीक है, अब इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, तो पहले आप यहाँ तक कर लेंगे, इसके बाद की जो बातें होगी वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ओके। थैंक यू।